चमोली जिला सहकारी बैंक प्रदेश भर में पहले स्थान पर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 54वीं वार्षिक आम बैठक गोपेश्वर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने की। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित करके की। चमोली जिला सहकारी बैंक के 54वें वार्षिक अधिवेशन में बैंक की आर्थिक स्थिति की चर्चा के साथ साथ जनपद के आर्थिक विकास की दिशा निर्देश करने एवं सहकारी आंदोलन को गति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावों व सुझावों पर भी विचार किया गया। बता दें, कोविड के चलते विगत वर्ष आम बैठक नहीं हो पाई थी। सबसे ज्यादा शुद्ध लाभ अर्जित करने के मामले में चमोली जिला सहकारी बैंक पिछले 2 वर्षों से प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर चल रहा है। बता दें, पिछले वर्ष जिला सहकारी बैंक चमोली का शुद्ध लाभ 7.5 करोड़ रुपए था, वहीं इस वर्ष 4.25 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने बताया कि सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का काम जिला सहकारी बैंक चमोली कर रहा है। जरूरतमंदों को उन्होंने सरकार द्वारा संचालित जनकल्याण की योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। बता दें, बैंक द्वारा कोरोना काल में अपनी मोबाइल ATM मैन के माध्यम से जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों को कैश की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसने कोरोना काल के दौरान संजीवनी का कार्य किया। मोबाइल ATM वैन के माध्यम से जनपद के अंतिम गांव में रहने वाले ग्रामीणों के साथ ही सीमा पर तैनात सैनिकों को भी कैश की सुविधा प्रदान की गई। उत्तराखंड के चमोली जिले से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सबसे सीमांत जिला जनपद चमोली, जो कि हम तिब्बत बॉर्डर से जुड़े हुए, और मुझे बताकर खुशी है कि यहाँ के ऋणदाताओं ने यथासमय ऋण लेकर ऋण चुकाया होगा, तब ये बैंक हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक है चमोली जिला का बैंक है, ये लगातार पिछले वर्ष की सुख थी और उसको प्रथम पुरस्कार मिला है लाभ की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि यहाँ का जो पूरा जो संचालक मंडल है, यहाँ के जो सचिव महाप्रबंधक हैं, वो सब लोग रात दिन मेहनत करके और कोऑपरेटिव के दृष्टिकोण से इस बैंक को एक गुणोत्तर रूप से आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को ऋण वितरण हो रहा है। पहली बार पारदर्शी ऋण वितरण की व्यवस्था हमारे जनपद में हुई। सहकारी बैंक की 54वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन आज किया गया। कोविड काल के कारण विगत वर्ष हम इस आम सभा की बैठक को नहीं कर पाए, जिस कारण 30 सितंबर को हमने आज इस आम सभा की बैठक को किया है। इसमें 2 वर्ष में चमोली जिला सहकारी बैंक के जो क्रियाकलाप थे और लाभ हानि थे, इसको सबका वाचन किया गया। सभी प्रस्तावों को यहाँ पे रखा गया और सभी का अनुमोदन किया गया। बेसिकली हमको इसमें वर्चुअल माध्यम से करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। हमने 50 की संख्या को देखते हुए बाकी पूरी आम सभा को वर्चुअल माध्यम से किया। हमारा चमोली जिला सहकारी बैंक विगत वर्ष और इस वर्ष, विगत वर्ष को हम ओवरऑल 18 करोड़ के लाभ में थे और जो शुद्ध लाभ हमारा पिछले वर्ष 7.5 करोड़ का था, इस वर्ष हम 17 करोड़ के शुद्ध लाभ में हैं और 4.5 करोड़ का हमारा शुद्ध लाभ है। तो इस प्रकार से चमोली जिला सहकारी बैंक पूरे प्रदेश में 2 वर्षों से नंबर 1 पर चल रहा है और सभी सहकार बंधु जितने भी आज इस AGM में आए थे, उन सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आज यह AGM संपन्न हुआ।